नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का कुशवाहा। आज हम आपको लेकर आए हैं यूपी ही नहीं बल्कि समूचे भारत के सबसे कम आबादी वाले गांव में। हमारे साथ जानिए इस गांव की आबादी और इसका संपूर्ण इतिहास। मेरठ जिले की सरदना तहसील का धनवाली गांव। आपको जानकर हैरानी होगी कि धनवाली गांव की जनसंख्या मात्र एक है, यानी कि इस गाँव में सिर्फ एक व्यक्ति ही रहता है। देश भर में आपने बहुत से ऐसे गाँवों के बारे में सुना होगा जो खंडहर हो गए, लेकिन धनवाली ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह गांव गैर आबाद नहीं बल्कि इसकी आबादी की गिनती राष्ट्रीय जनगणना में भी होती है। गांव में 10वीं तक का सरकारी स्कूल है, आधुनिक कंप्यूटर क्लास है, कई भव्य मंदिर हैं, पशु हैं और खेती भी है। गांव में रहने वाले इकलौते व्यक्ति मोनी बाबा हर चुनाव में वोट डालने भी जाते हैं। आज हम आपको मोनी बाबा से भी मिलवाएंगे और बताएंगे इस गाँव का इतिहास भी। मेरठ से करनाल जाते समय भूनी चौराहे को पार करके जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, दाहिने हाथ पर दिखाई देने लगते हैं कई भव्य मंदिर। बहुत से लोगों ने अक्सर इन मंदिरों को देखा होगा, लेकिन इन मंदिरों के आसपास दूर तक कोई आबादी दिखाई नहीं देती। ऐसे में लगता है कि इन मंदिरों को घने जंगल में बनाया गया है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस गाँव का इतिहास बताते हुए आपको उन्हीं मंदिरों के पास लिए चलते हैं। चौदहवीं शताब्दी में इस गांव का नाम धनवालगढ़ हुआ करता था। यह गांव पूरी तरह से आबाद था। 15वीं शताब्दी में भारत पर मुगल लुटेरे बाबर ने आक्रमण किया। 1526 में उसने पानीपत की लड़ाई जीती और बाद में खानवा, चंदेरी और आगरा तक कई राज्यों को जीतकर अपनी सल्तनत में मिलाया। इस दौरान बाबर ने घूम घूम कर उत्तर भारत में मंदिरों को तोड़ा और उनको लूट लिया। धनवालगढ़ भी मुगलों की बर्बरता का शिकार हुआ और बन गया उज्जड़खेड़ा। 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया तो उन्होंने रास्ते में आने वाले कई गांवों को कुचल दिया। कहा जाता है कि धनवालगढ़ में कुछ क्रांतिकारियों ने काफी समय तक अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। बाद में इस गांव को अंग्रेजी हुकूमत का दंश झेलना पड़ा। यहीं से अंग्रेजों ने पांचली बुजुर्ग गाँव पर भी तोप के गोले दागे थे। इसके अलावा बपारसी और शहीद ग्राम भमोरी को भी तोप से उड़ाने की योजना बनाई गई थी। इसके बाद 200 साल तक कोई भी इस गाँव में बसने की हिम्मत नहीं जुटा सका। हम मौजूद है फिलहाल उसी गांव में जिसे लोग धनवाली खेड़ा के नाम से जानते हैं। इस गांव में रहने वाले इकलौते व्यक्ति हैं मोनी बाबा। मोनी बाबा पिछले 28 वर्षों से इस गांव में अकेले रह रहे हैं। 3 दशक पहले गोटका गांव के रहने वाले 55 वर्ष के जयपाल सिंह ने सांसारिक मोह माया को छोड़ धनवाली गाँव में रहने की जिद ठान ली। उन्होंने यहाँ कुटिया बनाकर रहना शुरू कर दिया, पेड़ पौधे लगाए और एक व्रत लिया कि उनके लगाए गए पौधों पर जब फल आएंगे तभी वह अपना मौन व्रत तोड़ेंगे। वही योग पुरुष आज मोनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। उनके प्रयास से यहाँ कई भव्य मंदिर बनवाए गए हैं। कुछ साल पहले मोनी बाबा के प्रयास से यहाँ एक राजकीय सरकारी स्कूल भी शुरू हो गया है। स्कूल में आसपास के गाँवों से काफी बच्चे पढ़ने आते हैं। मोनी बाबा के अलावा किसी और इंसान ने इस गाँव में आकर रहने की हिम्मत नहीं जुटाई। लोग इस गाँव को शापित मानते हैं। शायद यही कारण है कि 3 दशक बाद भी इस गांव की आबादी सिर्फ एक ही रही। हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं मोनी बाबा जो कि पिछले 28 वर्षों से अकेले इस गांव में रह रहे हैं। बाबा, आपको डर नहीं लगता अकेले इस गांव में रहते हुए? नहीं भाई, अपना भजन करो जा, डर ही क्या लगता उसमें। जब जी मावा जब लौट जा फिर अपना भजन करने लगे। अच्छा, मन कैसे लगता है आपका, कैसे समय बीतता है आपका? समय बीतते है भाई, इतना खुशी का समय बीते होना तो आर बला में भी रहते, यहाँ अकेले पड़े रहे, अपना बदन करो जा, कोई दिक्कत कहाँ की चीज की नहीं। धनवाली घूमने के लिए अच्छी जगह है। यहाँ आपको मन को सुकून देने वाली शांति मिलेगी। भव्य मंदिर है जहाँ योग साधना की जा सकती है। सावन में यहाँ शिव भक्तों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। दिन में यहाँ काफी चहल पहल मिलती है। बाबा से मिलने आसपास गांव के लोग आते रहते हैं। एक गांव में होने वाली सारी सुख सुविधाएं यहां मौजूद हैं। नहीं है तो बस ग्रामीणों की संख्या, उसके लिहाज से यह सबसे कम आबादी वाला गांव है। तो ये था हमारा आज का सफर। तय करेंगे आगे की डगर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।